फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं तो मैं आज लेके आया हूँ नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन जो आई है डी धनबाद से तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा डी जी के लिए सी एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आ गई है तो दोस्तों इसका जो है नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है इसका पेपर स्कीम का भी वीडियो एग्जाम डेट का वीडियो भी मैंने बना दिया है तो दोस्तों आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो दोस्तों किस पेपर के लिए कौन एलिजिबिलिटी है वो हम लोग देखेंगे क्या उसका एक्सपीरियंस लगेगा और क्या पेपर स्कीम कितने पेपर आपको देने होंगे तो दोस्तों ये जो डी की नोटिफिकेशन आई है ये फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास ओवरमैन सर्वेयर सरदार फोर मैन मेट ब्लास्टर गेस्ट टेस्टिंग के लिए आई है अंडर द एम एम आर नाइनटीन एंड माइंस एक्ट नाइनटीन के तहत तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे ही वीडियो आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है क्या एक्सपीरियंस है क्या पेपर स्कीम है तो दोस्तों फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर द एमएमआर तो हो गया ये फर्स्ट क्लास एफएमयू तो एफएमयू के लिए दोस्तों डिग्री माइनिंग या इक्विवेलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप होना चाहिए एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए डिग्री प्लस सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड प्लस गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इसके लिए जो एक्सपीरियंस लगेगा वो दो साल का अंडरग्राउंड माइंड का एक्सपीरियंस लगेगा एफ्टर डिग्री इंक्लूडिंग एक साल का इफेक्टिव डेट जो है सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप से इफेक्टिव डेट से एक साल का एक्सपीरियंस लेगा तो उसके लिए दोस्तों एक पेपर देना पड़ेगा सिर्फ एल पेपर मींस माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी पेपर दोस्तों जो डिप्लोमा होल्डर हैं डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट पास विथ वन पेपर एंड गैस सर्टिफिकेट तो डिप्लोमा और सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप है तो उसके लिए दोस्तों पांच साल का एक्सपीरियंस लगेगा आफ्टर डिप्लोमा साथ ही साथ एक साल का सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के बाद जो है एक साल का एक्सपीरियंस लेगा उसके लिए दोस्तों तीन पेपर देना पड़ेगा लजिस्लेशन विनिंग वर्किंग एंड वेंटिलेशन पेपर दोस्तों आगे बढ़ते हैं डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट पास विथ फाइव पेपर एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट उसके लिए पांच साल का एक्सपीरियंस लगेगा एफ्टर डिप्लोमा इंक्लूडिंग एक साल जो है इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड के साथ एक साल का एक्सपीरियंस उसके लिए दो पेपर देना होगा लेजिस्लेशन एंड विनिंग वर्किंग तो दोस्तों इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट पास किए हैं विथ फाइव पेपर एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट उसके लिए दोस्तों एक्सपीरियंस जो है छः साल का लगेगा इन अंडरग्राउंड माइन इंक्लूडिंग एक साल जो है इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप तो उसके लिए दोस्तों तीन पेपर देना होगा लजिस्लेशन विनिंग वर्किंग और वेंटिलेशन जो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट हैं विथ फोरमैन और मेड सर्टिफिकेट मेड अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट उसके लिए छः साल का एक्सपीरियंस इन अंडरग्राउंड माइन इंक्लूडिंग तीन साल का इफेक्टिव डेट मेड या फोरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड से तीन साल का एक्सपीरियंस इसके लिए पाँच पेपर देना होगा लजिस्लेशन विनिंग वर्किंग वेंटिलेशन माइन मशीनरी एंड माइन सर्वे तो ये था दोस्तों फर्स्ट क्लास मेटल अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से पेपर और कौन कौन सा एग्जामिनेशन के लिए कितना पेपर स्कीम देना होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट क्लास मैनेजर टाइप सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप अंडर द एमएमआर 1961 तो इसके लिए दोस्तों ये हो गया पेपर हो गया हमारा फर्स्ट क्लास मेटल रिस्ट्रिक्टेड एफ तो दोस्तों इसके लिए जो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए और इक्विवेलेंट चाहिए विथ सेकेंड क्लास मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड टाइप या अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप कोई भी चलेगा डिग्री प्लस सेकेंड क्लास जो है मेटल में आपका रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों चलेगा इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो दो साल का अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइन आफ्टर डिग्री इंक्लूडिंग एक साल आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड इसके लिए एक पेपर देना होगा लेजिस्लेशन का तो दोस्तों इसमें रिस्ट्रिक्टेड टाइप में आपका अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड दोनों ही एक्सपीरियंस आपको चल जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो डिप्लोमा है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट पास्ट विथ वन पेपर तो उसके लिए दोस्तों पांच साल का अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंड का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा जिसमें से एक साल जो है सेकेंड क्लास का इफेक्टिव डेट अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड के बाद जो है ये आपको वैलिड रहेगा तो दोस्तों इसके लिए दो पेपर देना होगा लेजिस्लेशन और विनिंग वर्किंग का जो इंटरमीडिएट या अदर इक्विवेलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट फाइव पेपर स्कीम से कर चुके हैं उसके लिए छह साल का एक्सपीरियंस लगेगा अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंड जिसमें से एक साल जो है सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड का इफेक्टिव डेट के बात का जरूरत रहेगा तो इसके लिए भी दोस्तों दो पेपर स्कीम आपको देना होगा लजिस्लेशन और विनिंग वर्किंग आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट साथ साथ फोरमैन या मेट रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट शा, है तो इसके लिए छः साल का अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइन जो है एक्सपीरियंस लगेगा जिसमें से तीन साल जो है इफेक्टिव डेट ऑफ मेट अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट और फोर मैन अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के बाद जो है लगेगा तो इसके लिए चार पेपर स्कीम देना होगा लेजिस्लेशन विनिंग वर्किंग माइन मशीनरी और सर्वे तो ये थे दोस्तों फर्स्ट क्लास रिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या एक्सपीरियंस और क्या पेपर स्कीम है आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अंडर द एम एम आर यानी एस एम यू इसके लिए क्या क्या चीज क्या क्या एक्सपीरियंस रहेगा सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर द एम एम आर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट विथ फोर मैन अनरिस्ट्रिक्टेड या सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इसके लिए दोस्तों चार साल का अंडरग्राउंड माइन

फोर मैन अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट इसके लिए दोस्तों पांच पेपर देना पड़ेगा माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी एल पेपर डब्ल्यू पेपर 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 विनिंग वर्किंग वी वेंटिलेशन एम पेपर मीन माइन मशीनरी एस मीन सर्विंग तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकेंड क्लास मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द एम एम आर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या एक्सपीरियंस और क्या पेपर स्कीम है वो देखते हैं तो सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर द एम एम आर रजिस्ट्रिक्टेड टाइप तो एस एम आर इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए विथ फोर मैन जो है अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए दोस्तों चार साल का अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइन में आफ्टर डिप्लोमा में एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें से तीन साल जो है आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ फोर मैन अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड टाइप चाहिए इसके लिए दोस्तों एक पेपर स्कीम लगेगा एल पेपर मीन माइंड लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी पेपर जो इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट है फोरमैन और मेट अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है उसके लिए पांच साल का अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंड में एक्सपीरियंस जिसमें से दो साल जो है इफेक्टिव डेट ऑफ मेट अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट या फोरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा इसके लिए दोस्तों चार पेपर आपको देना है चार पेपर क्या है लेजिस्लेशन विनिंग वर्किंग मेथड ऑफ वर्किंग माइंड मशीनरी और सर्वेइंग तो एल डब्ल्यू एम एस चार पेपर आपको देना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो कोल माइन रेगुलेशन के हिसाब से फर्स्ट क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है क्या एक्सपीरियंस है और क्या पेपर देना होगा ये हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर दी एम आर तो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इसके लिए एक्सपीरियंस जो दोस्तों टू इयर्स इन अंडरग्राउंड माइन आफ्टर डिग्री इंक्लूडिंग एक वन ईयर आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप इसमें दोस्तों एक पेपर लगेगा सिर्फ एल पेपर जो दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है उसके लिए दोस्तों पाँच साल का अंडरग्राउंड माइन में एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा जिसमें से एक साल जो है आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप उसके लिए दोस्तों तीन पेपर देना होगा एल डब्ल्यू वी एल मीन्स माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी पेपर दूसरा है विनिंग वर्किंग तीसरा है वेंटिलेशन नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरमीडिएट और अदर इक्विवेलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इसके लिए छः साल का अंडरग्राउंड माइन इंक्लूडिंग एक साल जो है इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप इसके लिए तीन पेपर देना होगा लेजिस्लेशन विनिंग वर्किंग और वेंटिलेशन आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट और अदर इक्विवेलेंट विथ ओवरमैन और सरदार अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इसके लिए छः साल का अंडरग्राउंड माइन का एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें से तीन साल जो है आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ सरदार अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप या या एंड ऑवर मैन अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का चाहिए इसके लिए पांच पेपर देना होगा लेजिस्लेशन विनिंग वर्किंग वेंटिलेशन मशीनरी एंड सर्वेइंग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द सी एम आर रिस्ट्रिक्टेड टाइप के लिए क्या एक्सपीरियंस है क्या क्वालिफिकेशन है और कितने पेपर स्कीम देना होगा तो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड यानी एफ सी आर के लिए जो है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और इक्विवेलेंट विलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड टाइप है तो आपको दो साल का एक्सपीरियंस इन अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइन आफ्टर डिग्री जिसमें से एक साल जो है इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास के बाद का होना चाहिए और इसके लिए एक पेपर देना होगा ओनली लेजिस्लेशन पेपर जो दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है या इक्विवेलेंट है विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट है उसके लिए पाँच साल का अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में माइन सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिप्लोमा जिसमें से एक साल जो है सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड टाइप का सर्टिफिकेट के बाद होना चाहिए इसके लिए दोस्तों दो पेपर देना होगा एल पेपर और डब्ल्यू पेपर लेजिस्लेशन पेपर एंड विनिंग एंड वर्किंग पेपर नेक्स्ट है दोस्तों इंटरमीडिएट या अदर इक्विवेलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड साइज सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके लिए छह साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंड इंक्लूडिंग एक साल का आफ्टर सेकेंड क्लास ऑफ सेकेंड क्लास इफेक्टिव डेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड टाइप कोई भी चलेगा इसमें इसके लिए दो पेपर स्कीम देना होगा एल पेपर और डब्ल्यू पेपर लेजिस्लेशन पेपर एंड विनिंग एंड वर्किंग पेपर आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अंडर द एमएम सी एम आर दो हजार सत्रह तो एस एस सी यू के लिए दोस्तों डिप्लोमा इन माइट इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट होना चाहिए विथ ओवरमैन सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप एंड गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट इसके लिए दोस्तों चार साल का अंडरग्राउंड माइन का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा जिसमें से तीन साल दोस्तों इफेक्टिव डेट ऑफ ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के बाद होना चाहिए तो उसके लिए दोस्तों एक पेपर देना होगा वनली लेजिस्लेशन पेपर दोस्तों जो इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट सर्ट क्वालिफिकेशन पास किए हैं विथ ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट एंड गैस सर्टिफिकेट उसके लिए दोस्तों पाँच साल का अंडरग्राउंड माइन एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें से दो साल जो है आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ ओवरमैन चाहिए तो इसके लिए दोस्तों पांच पेपर देना होगा लेजिस्लेशन विनिंग वर्किंग वेंटिलेशन मेथड ऑफ वर्किंग और सर्वेइंग सॉरी लेजिस्लेशन विनिंग वर्किंग वेंटिलेशन माइन मशीनरी एंड सर्वेइंग आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद ओवरमैन और सरदार अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है इसके लिए पाँच साल का अंडरग्राउंड माइन एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें से दो साल जो है इफेक्टिव सरदार या ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का सर्टिफिकेट के बाद होना चाहिए इसके लिए दोस्तों पाँच पेपर देना होगा लेजिस्लेशन विनिंग वर्किंग वेंटलेसन मशीनरी एंड सर्वेइंग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्लास मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अंडर द सी एम आर तो एस सी आर एग्जाम के लिए दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग या इक्विवेलेंट है विथ ओवरमैन रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट चाहिए और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट तो उसके लिए दोस्तों चार साल का अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंड का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा जिसमें से तीन साल जो है ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड टाइप का इफेक्टिव डेट के बाद होना चाहिए इसके लिए दोस्तों एक पेपर देना हो पड़ेगा माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी पेपर का तो दोस्तों सेकेंड क्लास एस सी आर के लिए दोस्तों जो इंटरमीडिएट या अदर इक्विवेलेंट विद ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट है उसके लिए दोस्तों पांच साल का अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से दो साल जो है आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए इसके लिए दोस्तों चार पेपर स्कीम देना होगा लेजिस्लेशन विनिंग वर्किंग एंड सर्विंग तो ये था दोस्तों फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास माइन मैनेजर के लिए क्या पेपर स्कीम है और कैसे कौन कौन सा पेपर स्कीम है और क्या एक्सपीरियंस चाहिए अंडर द एमएमआर और सी एम आर दोनों ही बता दिया रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों ही टाइप का मैं बता दिया तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली आपका कोई कोई भी नॉलेज बढ़ा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद